डिपेंड करता है, मुझे तो लगता है प्रीबोर्ड शायद ऑफलाइन ही ले, स्कूल वाले ऑफलाइन ही लेना चाहिए क्यों, बड़े क्लास में ना जैसे स्कूल ही खुल रखा है, वो भी डिपेंड करता है ना पेरेंट्स के ऊपर भी है कि शायद अगर स्कूल में चलता हो कि पेरेंट्स अगर ना भेजें उसके ऊपर भी कुछ हो जाए। देखो गवर्नमेंट स्कूल का तो नियम है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है ठीक है ना, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है आपको एक फिगर दिख रही होगी ए बी सी डी डी ई एफ, ठीक है एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है, कहा जा रहा है कि फिगर इन फिगर डी इज पैरेलल टू इस, देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज लिखा है बस, जो डी ई है क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, ए सी के देख रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन लग रही ना एक दूसरे के पैरेलल दिए, आगे कहा जा रहा है डी एफ ए के पैरेलल है, डी एफ ए दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई दोनों बराबर आपको बताने, एंड बी अपॉन इस, बी देखिए कहा है बी अपॉन इस, ये नीचे वाली लाइन को प्रूव करना है ठीक है। अब यहां देखिए बोर्ड पे हमारे पास गिवन है कि डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, डी ई देखिए डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है और डीएफ जो है ए के पैरेलल है, तो प्रूफ क्या करना है ये चीज हमारे पास प्रूफ पहले से क्या है देखिए, डी इज पैरेलल टू ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल देखिए ए बी सी जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है उसमें डी ई पैरेलल है ए सी के, वहां पिक्चर पे ध्यान देंगे, और ये क्यों पैरेलल है मैंने उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं लिखा 10-12 लाइन का, देखिएगा लीनियर ड्रॉन लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द टू अदर टू साइड्स इज इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन सेम रिस्क, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था याद होगा, एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन पैरेलल वाले हिस्से को कट करती है, कर रहा ना कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड किसी एक साइड के पैरेलल, देखिएगा एसी एक लाइन है ट्रायंगल की, इसके पैरेलल डी हमने ड्रॉ किया ना, डी लाइन ड्रॉ की है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल साइड के पैरेलल ही कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो उस ट्रायंगल के किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कट करके उसको दो हिस्सों में बांट रही है ठीक है, तो वो उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर BE जो लाइन है ये AB लाइन को भी आधा आधा बांट रही है और BC लाइन को भी आधा आधा बांट रही है, तो इसी से प्रूफ हो जाएगा कि BE EC के बराबर है, ये जो लाइन DE हमने ड्रॉ किया है वो AC के पैरेलल था और अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ये जो पैरेलल लाइन है अगर किसी पैरेलल साइड के इक्वल हम पैरेलल पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते खुद से ड्रॉ करते तो उस ट्रायंगल के जिन हिस्सों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कट करेगा जिन दो साइड को कट करेगा उन दोनों साइड को मतलब ए बी साइड और बी सी साइड ये दो साइड को कट कर रहा है ना इनको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसीलिए हम कह सकते बी एफ ई सी के बराबर है, बी एफ ई सी के बराबर है, बी अपॉन ए सी कहा गया भाई BE upon AC, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, क्योंकि DE parallel है AC के, BE AC के parallel होने के कारण BE AC के parallel है बराबर है सॉरी, और BD वहां देखना BD जो है वो किसके बराबर है DA के बराबर है, क्योंकि इस
ये जो लाइन ड्रॉ की है वो इस साइड को और इस साइड को जहां जहां कट किया है तो बराबर बराबर है इसमें, तो बी एक आधा पार्ट हो गया, ई सी एक पार्ट हो गया, बी डी एक पार्ट हो गया और बी ए एक पार्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? यहां देखो अब ए ई बी की बात करें, ए ई बी, ए ई बी मतलब ये पूरा ये जो ये बड़ा बन रहा है, हाँ हाफ कट रहे, नॉट एग्जैक्टली हाफ। देखिएगा यहां पर भी वही फंडा है, यहां बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, क्योंकि यहां पर जो डी एफ लाइन ड्रॉ किया है हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, हमने ये लाइन ड्रॉ किया क्योंकि ये जो ए लाइन है उसके पैरेलल डी एफ है, हमने ड्रॉ किया है। अब इस साइड को और इस साइड को, पैरेलल वाले साइड को छोड़ के जो दो अलग वाले साइड है दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो बी डी से जितनी दूरी होगी उतनी ही डी ए से, बी एफ से जितनी दूरी होगी उतनी ही एफ ई से, ये भी प्रूफ हो गया। तो इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर हैंड्स प्रूफ। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आप लोगों के पेपर में एमसीक्यू में, ठीक है ना? इस ट्राइंगल चैप्टर का एमसीक्यू जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी रूल का तो पता नहीं, पहले जो क्वेश्चन आते थे अभी मेरे ध्यान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ आपके पास चॉइस, देखिए बता रहे हैं स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर 26 होगा, 25 से 26, 27 है। देखिए क्वेश्चन है, यहां पर दिख रहा होगा आपको कि एक ही ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है, एबीसीडी देखिए बेटा, उस पर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीसी। अब देखो वहां पे ए बी जो ऊपर वाली लाइन है सबसे नीचे वाली लाइन के पैरेलल है डीसी के, एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल कौन सा होगा, ए सी और बी डी, यही डायगोनल होंगे ना? जी बिल्कुल। तो ये जो डायगोनल्स दोनों है, ए सी लाइन और बी डी जो दो डायगोनल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, या तक तो समझ में आ रहा है? आपको बस ये बताना है कि AO BO के बराबर है और CO DO के बराबर है, मतलब दोनों बराबर बराबर है, ठीक है? चलो अब देखो आगे, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर AB इज पैरेलल टू DC, जो होता है हमें उसे गिवन करके लिखना होता है, AB इज पैरेलल टू DC एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है? और प्रूव क्या करना है आपको, AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO। अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे इसमें, हमने कंस्ट्रक्शन करके ही दिया है आपको कि EF, हमने एक EF लाइन बनाई है जो AB और DC दोनों के पैरेलल है, ठीक है, और पॉइंट O से गुजरते हुए जाती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। नहीं, ये हमने बनाई है कंस्ट्रक्शन के इमेजिनरी की, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब देखिए प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ पहले से क्या है कि इन ट्रायंगल एडीसी, जो हमारा ट्रायंगल एडीसी है, ईओ डीसी के बराबर है। ईओ किसके बराबर है, पैरेलल है डीसी के पैरेलल। सो एई अपॉन डी एंड एओ अपॉन सीओ, वही वाला थ्योरम जो मैंने आपको बताया था, आप यहां देख सकते हो, कहा जा रहा है कि EO DC के पैरेलल है। EO लाइन ये देख रहे हैं छोटी लाइन, ये पूरी की पूरी DC लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। अब अगर पैरेलल है और ये अगर आप ट्रायंगल DAC की ADC, ADC ये कलर्ड वाला जो आपको दिख रहा है शेडेड जो ट्रायंगल अंदर वाला है, इसमें क्या हो रहा है, इसके पैरेलल हमने EO लाइन बनाई, याद होगा। EO लाइन अगर हमने पैरेलल बनाई है तो ये पैरेलल साइड को छोड़ के, मतलब डीसी साइड को छोड़ के AD और जो AC है इनको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका मतलब DE जितना बड़ा है उतना ही बड़ा AE है, AO जितना बड़ा है उतना ही बड़ा OC है, बस समझ में आ गया? इसलिए AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, सॉरी नो नो नो, अरे आगे चले गए, AE अपॉन D, नीचे वाला मैं ऊपर गलती से बोल गया,
AE अपॉन DE, ये क्लियर है, और उसी तरह आप देखिएगा AO अपॉन CO, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? किसको समझ नहीं आया? रोनित नहीं आएगा तो बोलना। अब उसी तरह हमने इस वाले ट्रायंगल को बनाया, अब ये दूसरे वाला लेते हैं। अब हमने ट्रायंगल जो लिया है वो ट्रायंगल DBA है, ट्रायंगल DBA, ये पूरा ट्रायंगल, इसमें हमने ये जो पैरेलल है, पैरेलल लाइन क्या बनाई है, EF AB के पैरेलल है, EF हमारा ऊपर वाले AB के पैरेलल है, तो EF AB के पैरेलल है ना जी, अच्छा ठीक है, हाँ मतलब एक्चुअली पूरी लंबी लाइन में बोल रहा हूँ, लेकिन यह ईओ है, ठीक है, हाँ ईओ जो है एबी के पैरेलल है, चलिए ठीक है। तो आप ये वही चीज है कि यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है एबी, एबी के लिए हमने एओ लाइन बनाई थी, तो एबी वाले को अगर आप छोड़ दें तो दो साइड क्या बच रही है, डीबी और एडी, यही दो लाइन बच रही है ना, तो मतलब एई जितना बड़ा है उतना ही डीई, डीओ जितना बड़ा है उतना ही बीओ, ये भी हो गया, तो अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, क्लियर है? मेरी बात सुनिए, कुछ भी जटिल नहीं है इसमें, ई ओ लाइन जो हमारी है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए हमने एक अपने खुद से एक कंस्ट्रक्शन की, मतलब ई एफ लाइन तो कंस्ट्रक्शन वाली है, नीचे वाले में डीसी को हम पैरेलल ले रहे थे, ऊपर वाले में एबी को पैरेलल ले रहे हैं, तो नीचे वाले ट्रायंगल में डीसी को छोड़ दो और ऊपर वाले में एबी को छोड़ दो, तो दो जो साइड बच रहे हैं वो दो बराबर बराबर हिस्से में बटेंगे, इसमें क्या है यार, तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा अंदर वाली बॉक्स वाली, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ, दूसरा वाला देखना, पहले वाला नहीं बता रहा, एबी लाइन के पैरेलल ईओ लाइन है, तो हम देख रहे हैं कि एई जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा डीई होगा, उसके बाद बीओ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा डीओ होगा, दिख रहा है ना, और ये क्यों हो रहा है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके किसी पैरेलल साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन खींचते हैं, जो कोई भी ट्रायंगल की एक साइड लो, उसके पैरेलल कोई साइड आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो लाइन ड्रॉ करोगे उस पैरेलल साइड को छोड़ करके जो दो अलग अलग साइड होंगे, एक ट्रायंगल में तीन साइड है, जिस पैरेलल साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की उसको छोड़ करके जो दो साइड होंगे उसको तो बराबर बराबर हिस्सों में वो बांट देगा, वही बात हो रही है, क्यों बेस, कोई जरूरी नहीं है बेस, कोई बेस की जरूरत नहीं, मैं ये कर रहा हूं कि पैरेलल साइड को छोड़ के जिसको आपने पैरेलल लिया है, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत हो, आपने जिस साइड को पैरेलल मान के पैरेलल ड्रॉ किया है उसको छोड़ के जो दो साइड बच रहे हैं वो तो बराबर बराबर हिस्सों में बटेंगे, इस साइड को पैरेलल मान के उसको छोड़ देंगे, हाँ उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला हो गया ना, तो पूरा लिखा हुआ ही है ना बेटे, थ्योरम रटा ही जाता है, तुमको तो पता ही होगा इस बात का, थ्योरम तो रटा ही जाएगा ना, और क्या कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ लाइंस आर डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, एक थ्योरम है उसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं यहां पे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप देखो यहां इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा DE, एक लाइन हमने ड्रॉ की, DE लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड को कट कर रही है, मिला रही है, तो एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड को टच करने वाली कोई भी लाइन उस ट्रायंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये कहा जा रहा है साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और वो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, किसी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, डीई लाइन जो आपने ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल है, अब बीसी के पैरेलल है तो बीसी को छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो दो साइड बच गए उसको आधा आधा बांट देगा, वही और वही ये थ्योरम पूरा चल रहा है इसमें, और क्या,
ज्यादा बड़ा कुछ आप लोग भी तो देखिए, वो उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, ठीक है ना। आप लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो, अब तो थ्योरम था, अब यहाँ पे कुछ हमको वैल्यू भी दे करके सॉल्व करना है, कैलकुलेशन भी दे रखी है। यहाँ पर उसी तरह हमने एक EF लाइन ड्रॉ की, दिख रहा है ना। E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में E और F दो साइड आपको दिख रही है, दो पॉइंट दिख रहे हैं, जो AQ और PR है ना, सॉरी PQ एंड PR इन दो साइड्स पे है। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें ये बताना है कि EF QR के पैरेलल है तो क्या हुआ, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट होगा, हम दिखा रहे हैं ना, कोई चिंता मत करिए। इसमें करना क्या है, सेम वही थ्योरम लगेगा, ठीक है। बस इसमें कैलकुलेशन कर देना, ये जो पॉइंट्स में दे रखे हैं ना, जो भी आपकी वैल्यू दे, इसको कट कटा करके जी। हाँ, EF मतलब बेटा ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो वैल्यू दी गई है, आप इस थ्योरम पे लगा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है। हमने लिख दिया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो EF एंड QR आर नॉट पैरेलल लाइन, बात खत्म। मेरी बात आपने समझ रहे, वो पैरेलल, देखिए मेरी बात, यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए, थ्योरम क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो मतलब कि क्या है, यहां पर उल्टा हो गया है। अगर ये जो लाइन आपने EF ड्रॉ की है, ऐसे जगह पे ड्रॉ की है जो कि PQ और PR के बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, अगर बांट रहा है, तब ये नीचे वाले QR लाइन के पैरेलल है। आप खुद देखो ना, ऊपर थ्री, इस क्वेश्चन को तो पेपर में सॉल्व भी नहीं करना है। यहाँ पे P से EF, E की दूरी 3.9 सेंटीमीटर और E से Q 3 सेंटीमीटर है, यहीं पे बात खत्म हो गया। कैसे, उसी के हिसाब से हम देख लेंगे, हमें तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गया ना। वो तो ये बराबर बराबर है का, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है नीचे छोटा है, ये ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, काम ही खत्म। इसका मतलब पता है, हमें लग रहा है कि ये लाइन सीधी है, बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन वो पैरेलल कैसे, वो थोड़ी ना थोड़ी जरूर, हाँ टेढ़ी है। देखिए, अरे 750 mg की दवा खा के बैठे हैं। किसको अच्छी लगती है, ले लो बेटा, चलो आगे देखते क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सेम मतलब जो थ्योरम है उसी के ऊपर। देखिए आप लोगों, नीचे मत फेंकिएगा, उठा लीजिए, यहां फेंकिए आपने। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, एग्जाम्पल 3 भी वैसा ही है। स्लाइड नंबर 38 पे आएंगे, 38। सेम वही, देखते ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं।
ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको कराया है, आप घर पे जाके लड़िए आज इस क्वेश्चन से, प्रैक्टिस एक दो घंटे करिए, आपके पास सॉल्यूशन है, और करके आइए, उसके बाद नहीं समझ में आए तो हम लोग ये दो दिन में ट्रायंगल खत्म कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? एक ही जो थ्योरम है हमारी उसके ऊपर अलग अलग टाइप से ट्रायंगल ट्रेपेजियम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे, बस ये दिख रहा है, थ्योरम एक ही लग रही है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन आपके सामने देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है, फिर बंद करके ट्राई करिए, कॉन्फिडेंस आएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सारा क्वेश्चन एक एक कर करके बोर्ड पे बताते जाएंगे, आपका महीना निकल जाएगा, जो कि मुझे करने की जरूरत नहीं। SSS criteria, theorem 6.4, page number 45. मैं क्यों लिए theorem पे थोड़ा काम कर दूं जरा, देखिएगा। कह रहा है कि if in two triangle, हमारे पास दो triangle है, ठीक है, sides of one triangle are proportional to, proportional मतलब same ratio में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी जितना बड़ा है, अगर मान लीजिए कि एक सेंटीमीटर का है तो डी डेढ़ सेंटीमीटर का है, और ए सी अगर दो सेंटीमीटर का है तो वो भी उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है, मतलब सेम रेशियो में, साइज सेम नहीं रेशियो। आपके पास दो हाथ है और किसी के पास चार हाथ है, आपके पास चार पांव है तो उसके पास रेशियो में कितने पांव होने चाहिए, आठ, ये रेशियो बताता है। समझ रहे हैं बात को ना, इस तरह से, मतलब अब इस चक्कर में लड़ो मत जाना कि क्या है मेरे दो और क्या है किसी के चार, इक्वल रेशियो इक्वल कैसे हो सकता है, कट कटा के फिर रेशियो कैसे बनेगा वो। इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन साइड आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर साइड, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, नॉट congruent, ठीक है, ओके। फिर से ध्यान देना, आप ट्रायंगल के फर्स्ट क्लास से आ रहे हो ना, हाँ याद है, आप ट्रायंगल के फर्स्ट क्लास से आ रहे हो। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अनुपात में बराबर है, ठीक है, तो उसके जो अदर साइड्स भी होंगे ट्रायंगल के, उनके का जो क्रोस्पॉन्डिंग एंगल, साइड्स अगर प्रोपोर्शनल में बराबर है, अनुपात में एक ही अनुपात में है, तो उनका जो क्रोस्पॉन्डिंग एंगल होगा, सामने वाला जो एंगल होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, सच डेट एबी अपॉन डीई, बीसी अपॉन ईएफ एंड सी ए अपॉन एफ डी, ये सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था हमने उठा करके यहां रख दिया। प्रूफ भी क्या करना है, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, एंड और आपको ये भी बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है TEF के congruent है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दिया कि एक PQ लाइन बना दी, दिख रहा है, बिल्कुल पॉइंट का तो आपको पता ही है, एंड ड्रॉ DE एंड DF, DE एंड DF वो तो किया ही, सच दैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC रेस्पेक्टिवली। देखिएगा फिर से मैं दिखाता हूं, यहां ध्यान देना, बात हो जो DP हमारा है, ठीक है, वो AB के बराबर है, देख रहे हैं ना, साइज भी आपको एक लग रहा होगा। अगर हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं करना होता तो ये बड़ा ट्राइंगल भी चल जाता, लेकिन हमें करना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव करनी है उस साइज का। PQ लाइन इसलिए बनाई है ताकि ABC के बराबर ही हमारा वो भी ट्राइंगल निकल के आ जाए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, सच डेट
हाँ अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो DP is equal to AB and DQ is equal to AC respectively. Join PQ line join कर दी हमने. अब PQ line join की है तो AB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा DE है और CA जितना बड़ा है हमारा CA उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा DF होगा. Construction द्वारा किया हमने इस तरह subtracting one on both side. इन दोनों में हमने one minus one किया है. अब देखो अब यहां पे सबसे थ्योरम में आते हैं. कैलकुलेशन छोड़ दीजिए. यूजिंग थ्योरम 6.8 इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को कट करती है ठीक है डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो और सेम रेशियो में करती है देन द रेस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है इसलिए PQ is parallel to EF. ये तो हो ही गया. अब आगे चलते हैं क्योंकि हमें पता है कि congruency भी प्रूव करनी है और मजा तो congruency प्रूव करने में. बेटे सिवा कुछ ज्यादा लंबा प्रूफ नहीं दिख रहा है. कोई बात नहीं जो काम आसानी से हो जाए उसमें क्या मजा. देखिएगा अब हम लोग आ जाएंगे स्लाइड नंबर 47 पे आएंगे. कुछ भी घबराने की बात नहीं. PQ एंड EF PQ और EF आपको दिख रहा है विद ट्रांसवर्सल PE P यहां पे PQ और EF लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है और PE लाइन ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दोनों को कट कर रही है ठीक है. ये वाला जैसे पी लाइन जैसे बड़ी लाइन है ना ये पी लाइन पी से ई तक की जो लाइन है कैसे नहीं कट दो पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है वो पॉइंट पी और पॉइंट ई पे. ये लाइन ई एफ लाइन और पी क्यू लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इसको दो जगहों पे इंटरसेक्ट जो करती है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं जो कि पीई है हमारी पीई है ना. कोई जरूरी नहीं कि बेटा यहीं से कट करे ये यहां से भी तो कट कर ही रही है ना. पार होना जरूरी नहीं है बस टच. हाँ दो पॉइंट अगर मिल गए तो मतलब कि उसको इंटरसेक्ट कर रही है. सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई. अब एंगल पी एंगल ई के बराबर होगा क्योंकि क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बताओ भाई कौन सा लगेगा रूल इसमें. सीपीसीटी ओके जैसी आपके आ गया. अब लाइन पी क्यू और ई एफ को देखते हैं. पी क्यू और ई एफ फिर से अगर क्यू एफ को हम ट्रांसवर्सल माने तो जितना बड़ा एंगल क्यू है जो एंगल क्यू है वही एंगल एफ है. एक सीधी लाइन पर किसी भी लाइन पर जो दो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे दोनों बराबर ही होंगे. आगे देखते हैं. In triangle DPQ and A and DEF, DPQ देखिएगा ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर छोटा वाला ट्राइंगल को देखिए और फिर पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे तो क्या है एंगल P एंगल E के बराबर है और Q एंगल F के बराबर है. ये हमारा दो इक्वेशन बन गया और ये दो इक्वेशन जो है तो हमारे क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि AA सिमिलरिटी ठीक है. क्या सिमिलरिटी है ना. हम इसको क्या करें सिमिलरिटी वाला कर रहे हैं जैसे मैं अभी रुक जाइए हाँ जी. नहीं 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 देखिए यहां पर जो हो रहा है ये यहां पर एंगल ये बराबर नहीं है ये सिमिलर है. ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है नॉट इक्वल ठीक है. इसलिए हमने यहां AA सिमिलरिटी वाला थ्योरम लगाया. मतलब ट्राइंगल DPQ इज टू ट्राइंगल DEF बाय AA सिमिलरिटी. मेरी बात सुनिए ना ये तो कॉन्ग्रेंट तो तब होगा ना जब सब कुछ को हम बराबर कर देंगे. अभी हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं ना केवल
आगे देखते जाइए, सिमिलर तो है बिल्कुल। अब DP अपॉन DE, देखिएगा DP जो है DQ के बराबर, DQ जो है DF के बराबर, उसी तरह जो PQ है वो EF के बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं चल रहा, ठीक है ना, इट्स नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलैरिटी का रूल चल रहा है। कहा ये जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब जो सामने वाली साइड होगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब एक ही प्रोपोर्शन में अनुपात में होगी, ठीक है। जितना बड़ा और पेचीदा क्वेश्चन होगा पेपर के लिए वो उतना ही इरेलेवेंट होगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन जो होगा ना, अभी मैं इसके ना एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रयास करूंगा कल तक आप लोगों को मिल जाए, जैसे ही चैप्टर खत्म एमसीक्यू 30-35 क्वेश्चन, और वो 30-35 क्वेश्चन ये सैंपल पेपर वाले नहीं, प्योर एनसीईआरटी से ही जो चैप्टर से है, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं आपका जो एग्जाम्पलर है उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, हमें वो पढ़ने की जरूरत ही क्या है जो बिना मतलब क्या दाएं बाएं है, सीधे जो पेपर में हम बार बार पूछा है तो उसी को पढ़े। जा सकते हैं आप, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, बाद में देख लेना थोड़ा बहुत बाकी। अब दोनों अगर हम साइड को कंपेयर करें, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें छोटे और बड़े को, एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ जो है, तो एबी अपॉन डीई, बीसी अपॉन ईएफ एंड सीए अपॉन एफडी। अरे गिवनवा है बहन, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। एंड ए बी अपॉन डी पी एंड सी ए अपॉन क्यू डी बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने कर दिया है, दस डी पी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई एंड डी क्यू अपॉन एफ डी, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन रहा है। बोलने के बाद मैं रुक रहा हूं ताकि आप उस चीज को ऑब्जर्व कर लें। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशन को लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ एंड पी क्यू अपॉन ई एफ इज देयर फॉर बी सी अपॉन पी क्यू, इक्वेशन फोर बनेगा। रोनित आया, उड़ रहा है, ऊपर से निकल गया क्या, आया समझ में कि नहीं आपको, ठीक है। अब फिर से आपके सामने दो ट्रायंगल वही रख दिए हमने, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका छोटा और उसका छोटा भी, क्योंकि अब हमको क्या करना है शिवाजी, कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव तो करनी है, सिमिलर है कि नहीं, पता सिमिलर होंगे तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीपीक्यू में एबी डीपी के बराबर है, एसी डीक्यू के बराबर है और बीसी पीक्यू के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फोर, और वो दोनों कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, साइड साइड साइड, एबी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा डीपी, एसी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा डीक्यू, बीसी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पीक्यू, बात खत्म। इसके आगे भी वही सब है, आज इतना ही रह देते हैं, कल कराते हैं। आप लोग का भी क्या कहते हैं जबड़ा तोड़ मेहनत हो गया, कल बेटा ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी करके आइएगा, और जितना मेहनत मैंने किया है उतना आप लोग भी दिखाइएगा।